तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो तो सरप्राइज है। बट देखो इधर का नज़ारा देखो गाइस, ये रोड है सीधा। अभी जा रहे हैं आगे की ओर, देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं हम। देखो गाइस आगे, ये फैक्ट्रीज आ गई है आगे और हम जा रहे हैं भी आगे ही आगे। तो अभी बहुत देर है, जा जा रहे हैं, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ एडवेंचर पार्क भी है और लेपर्ड भी आता है। तो अभी जा ही रही है आगे, देख सकते हैं आगे का व्यू। गाँव आ चुका है और खेत है आसपास। तो गाइस आप लोग मिनी कश्मीर को देख सकते हैं गुजरात में, तो इधर पास वाले मिनी कश्मीर को फील कर सकते हैं गुजरात में ही। देख सकते हैं माउंट आबू का दृश्य। देख सकते हैं गाइस आगे, तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर बाद। गाइस अभी देख सकते हैं ये पहाड़ आ चुके हैं। अभी ये पहाड़ को देख सकते हैं, मिनी कश्मीर तो नहीं है, कश्मीर में ये वीडियो शूट हो रहा है आगे दूसरा कैमरा में से, तो देख सकते हैं अभी ये हमारा रॉकी देख सकते हैं अभी, इसको नींद आ रही है बट सो नहीं रहा है, देख रहा है सबको। वैसे हमने बहुत बार आ चुके हैं इधर बट वीडियो नहीं शूट किया रहा, तो अभी वीडियो शूटिंग कर रहे हैं। देख सकते हैं इधर कुछ लोगों को उल्टियाँ भी हो सकती है, तो सावधानी रखें। देख सकते हैं अभी पहाड़ ऊंचे ऊंचे हैं, ये पत्थर के पहाड़ भी है, ये देख सकते हैं। ये देखिए गाइस, ये तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस ये है अंबाजी जाने का रास्ता, तो देख सकते हैं आप अंबाजी जाने का रास्ता मैं दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं गाइस, तो गाइस मिलते हैं अभी, दिखाई देता हूँ थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ये है अंबाजी जाने का रास्ता। तो गाइस अभी हम माउंट आबू का पहाड़ चढ़ रहे हैं और देख सकते हैं इधर पेड़ भीड़, तो अभी पहाड़ में शुरू हो गए हैं और आगे कार चल रही है, और देख सकते हैं नीचे नदी भी जा रही है एक, और हम चढ़ते जा रहे हैं चढ़ते ही जा रहे हैं। ये देखो पहाड़ पे भी वायर्स जा रही है, तो देख सकते हैं अभी रोड है आगे और हम लोग रोड पे चल रहे हैं और जा ही रही है जा रहे हैं। ये रोड है अंबाजी से आबू रोड के बीच की, देख सकते हैं अभी उसमें ही पहाड़ शुरू हो गए, तो आबू रोड पे कितने पहाड़ ऊंचे हो गए देख सकते हैं गाइस। अभी एक बॉर्डर गाइस हम लोग राजस्थान में एंटर हो चुके हैं, देख सकते हैं ये वो रहा राजस्थान की बॉर्डर, गुजरात की और राजस्थान की बॉर्डर आ चुकी है, देख सकते हैं हम इसको पार कर रहे हैं आगे। और थ्री एंड गाइस टू वन। तो गाइस अभी आबू का रास्ता शुरू हो चुका है, देख सकते हो आगे ऊपर में, और साइड साइड में भी देख सकते हो पेड़ ही पेड़ है, पहाड़ दिख रहे हैं हमारे को बड़े छोटे दोनों दोनों तरह के पहाड़, ये जंगल देख सकते हैं आगे। तो मिलते हैं
बाद गाइस गाइस देख सकते हैं आबू का अभी रास्ता शुरू हो चुका है बहुत देर पहले। तो ये रोड कितना अच्छा है गाइस देख सकते हो, और बाजू में है डिवाइडर क्योंकि राजस्थान सरकार ने बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया है, तो कंट्रोल थोड़ा सा गाड़ी का बिगड़ जाए तो हम अकस्मात नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिवाइडर से हम लोग बच सकते हो। देख सकते हैं आबू रोड का नज़ारा, ये भी आएंगे पहाड़ तो देख सकते हैं, तो आगे का व्यू भी देख सकते हैं और साइड का व्यू भी देख सकते हैं आप लोग, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ आ चुके हैं अभी आबू के। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी आप व्यू देखो, तो गाइस अभी मैं हूँ माउंट आबू पहाड़ पे और ये है ऑसम एडवेंचर पार्क, बिल्कुल दिलवाड़ा टेंपल के पीछे ही आया हुआ है, और अभी मैं उधर से आया और इधर से जा रहा हूँ देख सकते हैं। इस पे थोड़ा सा डर और मज़ा दोनों है, तो ये फुल एडवेंचर है। एडवेंचर पार्क में एडवेंचर तो होता ही है, नीचे टेंट लगे हुए है और इधर। तो गाइज अभी हम फाइनली एडवेंचर पार्क में पहुंच गए थे, तो पहुंच के ही वरुण ने एक्टिविटी शुरू कर दी है देख सकते हो आप, एडवेंचर पार्क में एडवेंचर का मज़ा लेते हुए। ये रस्सी दोनों पेड़ों के दो साइड बंधी हुई है और बीच में ये देखो सिंगल रस्सी पे दो हाथ से पकड़ के चल रहा है, यहाँ पे सेफ्टी बेल्ट है। गाइज अभी हम पहुँचे हैं एडवेंचर लोकेशन पे, हम सब ने यहाँ पे कार पार्क कर दी है, ये सागर भाई की, वो कार्तिक भाई की, और उसके पीछे टेंट लगाते हैं सब लोग, हमको अभी ये टेंट लगाना है। हमारी कार यहाँ पे है और मेरा बच्चा एडवेंचर कर रहा है देखो कहाँ पे चढ़ा है, और मेरी वाइफ कोमल यहाँ पे चाय बना रही है, सुबह की चाय अभी दोपहर को बन रही है। हाँ आज चाय पीने में हम लेट हो गए लेकिन अभी चाय उबल रही है। ये पूरा प्लेटफॉर्म यहीं का है, तो यहाँ अगर हम कुछ लेके नहीं आते तो खाना भी यहाँ पे मिल जाएगा, तो ऐसे चाय बनाएंगे और पियेंगे। और ये सब टेंट लगे हुए हैं यहाँ के, जो एडवेंचर के लिए आते हैं वो टेंट में रुकना चाहते हैं तो ये टेंट उनके लिए है, हम खुद का लेके आए हैं तो हम खुद का लगाएंगे टेंट। और ये जिसके लिए आया था वो उसका क्या था, तमन्ना थी उसकी, वो साकार हो गई। हाँ एडवेंचर कर ही रहे हैं वो, आके तुरंत चला गया एडवेंचर के लिए, क्योंकि ये इसलिए ही आया था मेरे साथ। अच्छा लगा ना, है ना, बस थैंक यू। तो गाइज मिलते हैं आपको फिर आगे आगे, क्या क्या एक्टिविटी है यहाँ पे हम आपको बताएंगे। अभी चाय बन रही है और ये बढ़िया लोकेशन, पीछे वॉशरूम है। गाइज अभी फाइनली हमारी चाय बन के रेडी है, ये रही चाय, और सब भाइयों की चाय बना के रेडी कर दी है। गाइज ओसम एडवेंचर पार्क में आके बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ का व्यू और नज़ारा और लोकेशन सभी खूबसूरत है, और ये लोकेशन देलवाड़ा मंदिर के पीछे बिल्कुल पीछे है, बस स्टैंड से होके, लेकिन पार्किंग एरिया से होके इसका रास्ता आता है, तो वो 500 मीटर की दूरी पे एडवेंचर पार्क आया हुआ है। और आप भी यहाँ पे, हम सब कैंपिंग करने आए हैं तो हम हमारा सारा सामान साथ में लेके आए, लेकिन आप ओनली घूमने आओ तो यहाँ पे टेंट भी है और यहाँ खाना पीना सब मिल जाता है आपको, तो आप यहाँ पे आ सकते हो बहुत ही रिजनेबल रेट में आपको यहाँ ठहरने को मिलेगा। गाइज ये हमने हमारा खुद का टेंट लेके आए थे हमने, तो हमने लगा दिया है, लेकिन आप नहीं लेके आए हो तब भी यहाँ पे टेंट लगे हुए बहुत सारे आप देख सकते हो, जो भी टेंट में रुकना चाहिए 3 पर्सन 4 पर्सन 2 पर्सन 8 पर्सन,
सभी तरह की यहाँ पे सुविधाएं भाई साहब ने की हुई है। हमने हमारा खुद का टेंट लगाया है, और हमने खुद का टेंट लगाया तब भी इस भाई ने हमको इतनी ऑफर दी है कि आपको जो भी जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप हमसे मांग सकते हो, हम आराम से आपको देंगे, कोई आपको तकलीफ नहीं होने वाली यहाँ पे। तो ये 3-4 जगह पे उन्होंने ये पलंग लोहे के पलंग लगाए हुए हैं, और अभी हम खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे तो हमारी सब्जी, तो आज आलू और प्याज की सब्जी बनाई है, सबके लिए ही बना दिए हम, बहुत ज़्यादा बना दिए, और अभी सब्जी फाइनली पकने वाली है कि नहीं वो मेरी मिसिस देख रही है। और ये हमारा है छोटा सा किचन जो कि हम हमेशा साथ में लेके घूमते हैं कैंपिंग करने जब भी जाते हैं तब। तो अभी फाइनली हो चुकी होगी इसलिए उसने ऊपर से धनिया भी डाल दिया है। तो ये टेबल भी ये कैंप साइट का है, यहीं पड़ा था तो हमने यूज़ किया है उसका। ये रहा मेरा मिनी किचन, तो मिनी किचन में हम सारा सामान जो कि हमको ज़रूरत पड़ेगी कैंपिंग में वो साथ में लेके ही निकलते हैं 3-4 दिन का। गाइज हमारा मिनी किचन का ये ड्रॉवर है और ये बकेट है जो इसमें आलू प्याज टमाटर जो भी रखना चाहो आप आ सकता है। ये मसाले का डिब्बा है, इसमें आटा और बाकी के मसाले हैं। ये हमारे ब्यूटन के स्टोव, और ये मेरे स्टोव जो ब्यूटन का आता है उसके रखने की जगह, ऊपर का स्टोरेज आप देख सकते हो। दही चाय के कप है, और दाल है, चावल है, मिर्च है, नमक है सब। और ये मेरा बेड कार के अंदर का 6 फीट और 4.5 फीट का। तो अभी ये आटा निकाल के मेरी मिसिस अब पराठा बनाने की तैयारी कर रही है, और पास में हमारे साथ जो कैंपर्स है सागर भाई और कार्तिक भाई, उन्होंने अपना पड़ाव टेंट लगा दिया है। और ये है रंजन सिंह जो कि कार्तिक भाई के साथ आए हुए थे, और फाइनली सागर भाई ने आलू मेथी की सब्जी बनाने की तैयारी कर दी है यहाँ पे। तो वो आलू मेथी की सब्जी बनाएंगे आज, और हमने बनाई है आलू और प्याज की सब्जी। गाइस अब फाइनली पराठे की तैयारी हो रही है, मेरा मिनी किचन है कार का उसमें ही। तो अभी पराठे के लिए रेडी, पराठे बेल के रेडी करके रख रहे हैं, और बाद में उसको सेक के तैयार करेंगे और फिर खाएंगे गर्मा गर्म। अभी के लिए सिर्फ बेल के एक साइड में रख रहे हैं। ये मेरा ब्यूटन का स्टोव मिनी जो कि कार के अंदर ही रहता है और हमारे साथ ही रहता है, वो जब भी मन करे खाना पका के हम खा सकते हैं। और ये रॉकी को बहुत ही अच्छा लगा ये ऑसम एडवेंचर पार्क में, तो आके ही वो मस्ती में लगा हुआ है। तो गाइज ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ पे ठंड भी, अभी मार्च का महीना है लेकिन रात को भाई साहब ने हमको, हमने पूछा था तो बोले थे कि रात को बहुत ही टेम्परेचर लो पे जाता है। तो गाइज मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।